इस वीडियो में हम लोग आर के बारे में समझेंगे किस तरह से आर ऑपरेट होता है आर सी सी बी अस्टैंड फॉर रेसिड्यूल करेंट सर्किट ब्रेकर जो कि एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है आर सी सी बी जो है वो अंडर फॉल्टी कंडीशन अनबैलेंस करेंट को सेंस करता है एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट को ट्रिप कराता है एंड कनेक्टेड लोड को फॉल्ट करेंट से प्रोटेक्ट करता है आर सी सी बी जो है वो मेनली ह्यूमन्स को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है आर सी सी अ सेकेंड ऑपरेट होता है एंड इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर सी सी बी का कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है एक सोलेनोइड के ऊपर थ्री कॉल प्लेस्ड रहता है दैट इज प्राइमरी कोयल सेकेंडरी कोयल एंड सेंसिंग कॉल यहाँ पर ट्रिपिंग रिले है जो कि फोल्ड करेंट को सेंस करता है ट्रिपिंग रिले का टर्मिनल सेंसिंग कॉइल से कनेक्ट रहता है एंड ट्रिपिंग मैकेनिज्म जो है वो रिले से कनेक्ट रहता है पॉजिटिव एंड निगेटिव इनपुट टर्मिनल के थ्रू इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं इसमें रेड कलर का एक टेस्ट बटन प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से आर के ट्रिपिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं एंड जो लोड है वो ग्राउंडेड रहता है आर का ऑल असेंबली जो है वो एक हीट इंसुलेटिंग मटेरियल में इंक्लोज रहता है ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन कॉन्टेक्ट्स जो है वो क्लोज रहता है एंड प्रॉपरली इसके थ्रू करेंट फ्लो करती है एंड लोड में जाती है एज अ रिजल्ट जो बल्ब है वो ग्लो करता है लोड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किचऑअप करेंट लॉ के ऊपर बेस्ट होता है दैट मीन्स इनकमिंग करेंट इन द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू द आउट गोइंग करेंट फ्रॉम द सर्किट मतलब सर्किट में जितना करंट इनपुट होगी न्यूट्रल पॉइंट पर भी उतना करंट आनी चाहिए सपोज पॉजिटिव टर्मिनल पर दो एम्पियर करंट इनपुट हो रही है तो न्यूट्रल टर्मिनल पर भी दो एमपियर करंट आनी चाहिए एज वी नो जब क्वाइल से करंट फ्लो करती है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इस सर्किट को देखने से पता चल रहा है कि दोनों टर्मिनल में करेंट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ओपोजिट है इसलिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगा एंड दोनों टर्मिनल में सेम करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो भी सेम होगा पर एक दूसरे को ऑपोजिट होगा ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट इसलिए यहाँ पर रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा एंड यहाँ पर जो सेंसिंग कॉइल है वो ट्रिपिंग रिले से कनेक्ट है जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का यूज़ करते हैं सपोज कोई ऑपरेटर फेज वायर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो इस कंडीशन में फेज वायर में और पॉजिटिव टर्मिनल में करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है जबकि न्यूट्रल टर्मिनल में करंट की वैल्यू सेम रहती है जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा जो प्राइमरी कॉइल में एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स इस सेंसिंग कोयल को इनर्जाइज करती है मतलब एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फ्लक्स सेंसिंग कोयल को कट करती है तो कॉयल में ई e एम एफ इंड्यूस होता है जिसके कारण सेंसिंग कॉयल इनर्जाइज होती है रिले सेंसिंग कॉयल से कनेक्ट रहता है इसलिए रिले इंड्यूस्ड ई e एम एफ को सेंस कर लेता है एंड अगर इंड्यूस्ड ई e एम एफ का वैल्यू प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा रहता है तो स्विच को ओपन कर देता है जिससे सर्किट ब्रेक हो जाती है एंड ऑपरेटर को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगती है आर सी सी बी रेसिड्यूअल करेंट एज वेल एज़ अर्थ फोल्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर सी सी बी का जो एक्यूरेसी है वो हाई होता है इसमें एक टेस्ट बटन प्रोवाइड किया हुआ रहता है जिसके हेल्प से इसके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को हम लोग चेक कर सकते हैं अल्सो इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वोल्टेज वेरिएशन। आर का जो साइज़ है वो कॉम्पैक्ट रहता है इसलिए इसको हम लोग सर्किट में कहीं पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं जो आर है वो शॉर्ट सर्किट एंड ओवर करेंट फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं करता है आर का प्राइस हाई होता है तो इट इज़ आल्सो अ डिसएडवाटेज आर का कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड इसका जो मेन्टेनेंस कॉस्ट है वो हाई होता है ई एल सी बी एंड आर सी सी बी दोनों एक टाइप का प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है पर दोनों में कुछ मेजर डिफ्रेंसेज होती है उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे ई एल सी बी का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जबकि आर सी सी बी का मतलब होता है रेसिडिवल करेंट सर्किट ब्रेकर ई एल सी बी वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होता है जबकि आर सी सी बी जो है वो करेंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है ई सर्किट ब्रेकर जो है वो ओनली अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करता है जबकि आर एनी टाइप ऑफ अर्थ फॉल्ट डिटेक्ट करता है ई एल सी बी फेज न्यूट्रल एज वेल एज़ अर्थ से कनेक्ट रहता है जबकि आर सी सी बी ओनली फेज एंड न्यूट्रल के बीच कनेक्ट रहता है ई एल सी बी को इंस्टॉल करने के लिए अर्थ कनेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है जबकि आर सी सी बी को इंस्टॉल करने के लिए अर्थ कनेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है ई एल मोर कॉस्टली होता है इट इज़ अ कॉस्टली डिवाइस जबकि आर का प्राइस ई e एल के मुकाबले थोड़ा कम होता है डिफरेंसेस बिटवीन एम एंड एम एक नॉर्मल एम जो होता है वो ओनली ओवरलोड लोड फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जबकि जो एम है वो ओवर टेम्परेचर एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम सी बी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एंड एम सी सी बी स्टैंड फॉर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर एम सी बी जो है वो सिंगल पोल टू पोल एंड थ्री पोल में अवेलेबल होता है जबकि एम सी सी बी जो है वो फोर पोल तक अवेलेबल होता है एम सी बी का यूज़ होम वायरिंग लाइट लोड एंड लाइटनिंग सर्किट के लिए किया जाता है जबकि एम सी सी बी का यूज़ हैवी सर्किट एंड डिवाइसेज़ में किया जाता है एम का रेटिंग करेंट हंड्रेड एम होता है जबकि एम का जो रेटिंग करेंट है वो टेन टू टू हंड्रेड एम होता है एम को हम लोग रिमोटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं जबकि एम को रिमोट के हेल्प से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं एम का यूज़ डोमेस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है लाइक होम वायरिंग जबकि एम का यूज़ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाता है सो दीज आर सम डिफरेंसेज बिटवीन एम सी बी एंड एम सी सी बी तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सकें